तो इस वीडियो में हम लोग ब्रीफ में टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे और इन्वर्स किसी फंक्शन का किस तरीके से निकाला जाता है मेनली उस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है जो ब्रॉडली जो क्लासिफाइड है फंक्शन वो चार टाइप में आप देख पा रहे हो कि 1-1 मिनी टू वन फंक्शन, ऑन टू और आपका 1-1 एंड ऑन टू का कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन 1-1 फंक्शन कब कहलाता है? 1-1 फंक्शन को हम लोग इंजंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। हर एक फंक्शन का अपना एक डोमेन और रेंज होता है, आपको पता होगा डोमेन इसको बोलते हैं। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि ऑल द एक्स मस्ट हैव अ वैल्यू इन वाई, मतलब यहाँ पे कोई भी लेफ्ट आउट नहीं हो सकता। बी में मतलब जो आपका कोर डोमेन और रेंज होता है, कोर डोमेन इज बेसिकली व्हाट, जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई होगा जो बी के सेट में है। यहाँ पे पॉसिबल और इम्पॉसिबल का बात नहीं है। फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि ए में जो भी एलिमेंट्स हो सबका मैपिंग यहाँ पे हुआ हो। तो ए बी सी डी आपका डोमेन हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4 इंक्लूडिंग 5, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरा आपका कोर डोमेन हो जाएगा जिसको बोलते हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सारा कोर डोमेन। एंड ऑल द यूज्ड वैल्यूज ऑफ वाई, जो वैल्यू यूज किया गया, मतलब जैसे यहाँ से जो मैपिंग किया आप, तो 1, 2, 3, 4 यूटिलाइज हुआ, 5 लेफ्ट आउट रह गया। तो यूज्ड वैल्यूज जो रहता है जिसका मैपिंग हुआ है, जो इमेज और प्री इमेज बोलते हैं, मतलब जैसे ए अगर इमेज है, सॉरी 1 अगर इमेज है तो 1 का ए प्री इमेज हुआ, 2 इमेज है उसका प्री इमेज बी है, 3 इमेज है उसका प्री इमेज सी है, 4 अगर इमेज है उसका डी प्री इमेज है, 5 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो कोर डोमेन में तो 5 इंक्लूड होगा, पर रेंज में वही आएगा जो किसी ना किसी का यहाँ से इमेज बन रहा हो, ठीक है। तो इमेज 1, 2, 3, 4 ही आ रहा है तो वो आपका रेंज हो गया। तो कोर डोमेन, डोमेन और रेंज भी रफली हम लोग समझ लिया कि एक्चुअली में क्या होता है। तो 1-1 फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि हर एक एलिमेंट का ए का बी के को का एक यूनिक सोल्यूशन हो, मतलब यहाँ पे एक ए का एक ही वैल्यू बन हो। अगर बी है तो उसका यहाँ पे एक ही वैल्यू होना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम लोग जिसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक आंसर होना चाहिए इसका, हर एक यूनिक इमेज होना चाहिए, राइट। तो उस केस में जो फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन कहलाता है, 1-1 फंक्शन कहलाता है। मेनी टू वन फंक्शन में मामला ये है कि मेनी वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक या उससे ज़्यादा एक्स का वैल्यू, वाई का एक वैल्यू को जो है एक इमेज हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर देख पा रहे होगे आप कि ए और बी दोनों ही का इमेज 1 है, तो अगर ऐसा कुछ है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, हम लोग अपने एग्जांपल में 2 लिया है, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 भी पॉसिबल है। तो 2 से ज़्यादा है, अगर ए बी सी है, सी का भी इमेज जो है 1 हो सकता था, पॉसिबल था। तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं मेनी टू वन फंक्शन। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये हुआ, सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए, जिसका कोड जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक 5 लेफ्ट आउट था, उसके वजह से कोर डोमेन में तो 5 आया, रेंज में नहीं आया, मतलब कोर डोमेन और रेंज डिफरेंट हो गया। पर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कोर डोमेन इज 1, 2, 3 एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई हैज़ बीन यूज्ड, वाई का या बी सेट का एक भी एलिमेंट यहाँ पे छूटा नहीं है। एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ अ प्री इमेज इन ए, कोई भी लेफ्ट आउट नहीं है। तो आप कोर डोमेन अगर बोलोगे तो कोर डोमेन भी 1, 2, 3 है, रेंज भी इसका 1, 2, 3 है। तो जब कोर डोमेन और रेंज इक्वल हो जाता है, उस तरह के फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। नाउ 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं या बाइजेक्शन बोलते हैं। 1-1 ऑन टू फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, नाम से समझ में आ रहा होगा कि वो फंक्शन जो 1-1 के कैरेक्टरिस्टिक को भी और ऑन टू के फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को दोनों को फॉलो करता है, उस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1-1 फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सब अलग है, यूनिक है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ कहीं पे। और साथ ही बी का कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं है, तो उससे कोर डोमेन और रेंज भी इक्वल आ रहा है। तो ये 1-1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन हुआ। इसके बाद हम लोग मेनली इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इस टॉपिक में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे उसको। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन के लिए जानने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी था कि फंक्शंस का टाइप क्या होता है ना। सबसे पहला चीज़ ये बता दिया जाए कि
नॉट ऑल फंक्शंस, दुनिया में जितना भी फंक्शन है हर फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होगा ये ज़रूरी नहीं है. ओरिजिन फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन. अब किस तरीके का फंक्शन, कौन सा फंक्शन है जिनका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है वो आप दूसरे टाइप में देख लो. इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज़ अ वन वन. अगर फंक्शन वन वन एंड ऑन टू बोथ दोनों ही होता है, जैसे आप लोगों ने देखा लास्ट जो टाइप था, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होना ज़रूरी है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए. अब ऐसा क्यों, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो. इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं. एक फंक्शन ले लेते हैं मेनी टू वन फंक्शन फॉर एग्जांपल. बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हम लोग वो यूज करके कि मान लेते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता तो वन पे नाइन है, वन में नाइन आ रहा है, टू में इसको एक रास्ता की तरह आप ट्रीट करो कि एक मान लो कि एक रास्ता जा रहा है जो वन से स्टार्ट करोगे तो नाइन पे पहुंचोगे, टू पे स्टार्ट करके नाइन पे पहुंचोगे. पर जब आप इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन बेसिकली पहले है क्या समझो. इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब हुआ कि मान लिया जाए कि एक फंक्शन है जिसका मैपिंग आप ए से बी में किए. जिस रूल से आप ए को बी से मैपिंग किए वो फंक्शन कहलाया. अब इसी का अगर आपको उल्टा करना है, मतलब आपको क्योंकि जिस आप इस रास्ते से यहाँ से ए टू बी जाने का रास्ता है ये वन वे रास्ता होता है, उसी तरीके से बी से ए तक आने का भी एक रास्ता होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए. तो उस रूल को हम लोग इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं और हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं. अच्छा, इसको ये वन बाई एफ मत समझ लेना कि पावर में माइनस वन, ये एक तरीका है, एक सिंबल है जिस तरीके से इन्वर्स फंक्शन को डिनोट किया जाता है. ये बिल्कुल भी फंक्शन ऑफ माइनस एफ टू द पावर माइनस वन नहीं है, ये इन्वर्स फंक्शन को डिनोट करने का एक तरीका है. राइट, इसका मतलब ये होता है कि एफ एफ डिफाइंस अ रूल, इफ एफ डिफाइंस अ रूल फ्रॉम ए टू बी तो एफ इन्वर्स ऑफ एफ विल डिफाइन अ रूल टू गेट टू ए फ्रॉम बी. बी से ए अगर वापस आना है तो हम लोग इन्वर्स फंक्शन यूज करते हैं. राइट, अब उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए वन से सेवन या टू से सेवन या थ्री से टेन जाने का जो रूल है वो फंक्शन हुआ. अब उसको उल्टा आना है तो इन्वर्स फंक्शन. अब यहाँ पे उल्टा क्यों नहीं आ सकते वो समझने वाली बात है. आप समझो कि आप अगर वन पे खड़े हो तो श्योर है, गारंटी है कि आपको जो सामने में जो पहुँचोगे वो नाइन में पहुँचोगे, वो वन पे खड़े होगे आप गारंटी से बोल सकते हो उस बात को. टू में अगर आप खड़े रहोगे और चलना स्टार्ट करोगे तो आपको पता है कि अदर एंड में नाइन ही मिलने वाला है, सेम इज़ विथ थ्री. बट अगर आप नाइन पे खड़े हो और नाइन पे खड़े होकर के आप जब चलना स्टार्ट करोगे तो आपको नहीं पता, जब तक आप पहुंचते नहीं आपको नहीं पता कि आप वन पे पहुंचोगे या टू पे पहुंचोगे. मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है. राइट, आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते. जैसे कि मान लिया आप एक जगह पे खड़े हो और आपको कहीं जाना है और आपसे वहाँ से चार रास्ता जा रहा है. अब वो चार रास्ता में से कोई भी रास्ता वहाँ पहुँच सकता है, आपको वहाँ पहुँचा सकता है, पर आप श्योर नहीं, अनसर्टन हो. तो यहाँ भी वही मामला है कि आप नाइन पे जब रहोगे तो नाइन से जब उल्टा आना होगा तो आप जब पहुँचोगे वन पे पहुँचोगे कि टू पे पहुँचोगे. और अगर मान लो और भी एलिमेंट होता, ये तो सिर्फ दो ही लिया हम, और भी रिपीट हो सकता है, तो देर इज़ अ कन्फ्यूजन. मतलब कन्फ्यूजन है कि कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं पता आपको कि जो नाइन पे चलोगे तो एग्जैक्टली वन पे ही पहुँचोगे. ठीक है, तो इस तरह का मैथ्स में कन्फ्यूजन को जगह नहीं होता. मैथ्स में कोई भी चीज़ हो वो श्योरिटी के साथ अगर ना हो, अगर आप नाइन पे चल रहे हो गारंटी के साथ ये नहीं बोला जाए कि इसका आंसर वन ही आएगा तो वो क्योंकि सोल्यूशन में नहीं माना जाता, बिकॉज वो कन्फ्यूजन है. अब किसी का वन आंसर आएगा, किसी का टू आएगा, और अगर रहा तो किसी को थ्री पे भी अगर नाइन होता मैपिंग किया हुआ तो थ्री भी पॉसिबिलिटीज था आंसर का. तो एक फिक्स आंसर नहीं होता, आप कहाँ पहुँचोगे वो आपको पता नहीं होता. मतलब यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता है वो यूनिक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. वन पे चलने पे नाइन में आना है, बट वो रिटर्न आने में प्रॉब्लम था. तो मेनी टू वन फंक्शन में ये कन्फ्यूजन, ये प्रॉब्लम आता है. अब ये मेनी टू वन फंक्शन होने के साथ साथ अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, ये ऑन टू भी नहीं है. अब ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 12 इज़ अ पॉसिबल वैल्यू. अब अगर आप 12 पुट करते हो, मतलब 12 के लिए कोई रास्ता यहाँ से यहाँ आने का नहीं है. यहाँ पे जितना वैल्यू है ऑल आर कनेक्टेड, बट यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जो कनेक्टेड नहीं है. मतलब यहाँ से अगर 12 पे चल के आप चलना स्टार्ट करोगे तो यहाँ कहीं पहुँचोगे नहीं. तो ऑन टू फंक्शन होना भी ज़रूरी है, मतलब हर एक के बीच में एक रास्ता डिफाइंड हो. ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ भी मैपिंग रहेगा. तो इसीलिए बोला जाता है कि फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तभी उसका हम लोग इन्वर्स निकाल पाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक वन टू वन फंक्शन और ऑन टू वन फंक्शन लेते हैं, वन टू थ्री फोर,
अब ये एक वन वन फंक्शन और ऑन टू भी है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप क्लियर देखो, वन से स्टार्ट करोगे नाइन पे पहुंचोगे, जितना इजी यहां से यहां जाना है उतना ही आसान बिना कन्फ्यूजन वाला यहां से यहां आना भी है, और सारे एलिमेंट के लिए रास्ता है, ऑल आर वेल कनेक्टेड, कोई भी बचा हुआ नहीं, जैसे यहां पे 12 बचा हुआ था। तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो इस तरह का फंक्शन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल होता है। मतलब यहां पे जितना आसान यहां से ए टू बी में जाना है उतनी ही आसान बी से ए में भी आना है, बिकॉज सारा रास्ता यूनिक है फंक्शन वन वन और ऑन टू होने की वजह से। क्लियर? तो ये होपफुली समझ में आया होगा कि क्यों सिर्फ हम लोग उन फंक्शन का इन्वर्स निकाल पाएंगे जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन या वन वन या ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर? आप इन्वर्स निकालते कैसे हैं किसी भी फंक्शन का? ये अगर ए टू बी का जो रूल है एफ, तो उसके हेल्प से हम लोग बी टू ए कैसे निकालेंगे। मतलब कि अगर किसी फंक्शन में कोई रूल है, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लो कि 2x प्लस 1 एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, और ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेते हैं हम लोग, दो चार वैल्यू का ले लेते हैं। और आप जब यहाँ पे 1 पुट करोगे इस फंक्शन में, तो 1 पुट करने पे फंक्शन यहाँ लिख लेते हैं fx इक्वल टू 2x प्लस 1। अब जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो जाहिर है कि आपको आंसर 3 मिल रहा है, 2 पुट करोगे तो आपको आंसर 5 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो आपको आंसर 7 मिलेगा, एंड सो ऑन। हम तीन ही एग्जांपल लिया, तो 1 का मैपिंग 3 के साथ, 2 का मैपिंग 5 के साथ, 3 का मैपिंग 7 के साथ। आप अगर देख रहे होगे इसी हिसाब से अगर आगे भी पढ़ते हैं हम लोग, तो ये 1 1 फंक्शन ही आने वाला है और ऑन टू भी रहेगा। तो 1 पे 3, 2 पे 5, 3 पे 7, इतना ही लेते हैं। अब ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है रूल एफ ऑफ गेटिंग बी फ्रॉम ए। मतलब यहाँ पे इनपुट विल बी दीज एलिमेंट्स 1, 2, 3, और आउटपुट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ बी, 3, 5, 7। नाउ इफ वी नीड अ रूल जहाँ पे आप ये इनपुट करके, मतलब 3 इनपुट करो तो डायरेक्ट 1 आ जाए, मतलब 3 इनपुट होगा, अभी क्या हो रहा है मैपिंग यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ऐसे, 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, 2 पुट करने पे 5 आ रहा है, 3 पुट करने पे 7 आ रहा है। नाउ दिस रूल इज डिफाइंड एज नोटेड एज एफ। नाउ वी नीड अ फंक्शन जहाँ पे 3 इनपुट करें तो 1 आए, 5 इनपुट करें, मतलब मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, तो उसको डिनोट करते हैं। मैपिंग फ्रॉम बी टू ए विल बी डिनोटेड एज फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स फंक्शन। नाउ हाउ टू गेट द इनवर्स फंक्शन, अब सवाल ये आता है। जैसे यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, इसके हेल्प से हम उसका इन्वर्स फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। 3 स्टेप है, वो स्टेप हम पहले लिख दें फिर उसको फॉलो करेंगे। स्टेप 1, आप fx को y के साथ रिप्लेस कर दो, fx को y के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। साथ साथ वो रूल्स को हम लोग यहाँ पे फॉलो भी करते हैं। fx को y के साथ रिप्लेस कर देना, ये आपका पहला स्टेप में था। स्टेप 2, x को सब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट मतलब गेट x इन टर्म्स ऑफ y। अभी क्या है कि y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ है, गेट x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब यहाँ से आपको x को अलग कर लेना है, x को सब्जेक्ट बना लेना है। तो y माइनस 1 इक्वल टू 2x, पहले 1 को इधर ले आए, तो x विल बी इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2। सेकेंड स्टेप किया हम लोग, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3 में आप क्या करोगे, जो आप x सब्जेक्ट बनाए हो उस x को रिप्लेस कर दो इनवर्स के साथ, और y को रिप्लेस कर दो x के साथ। अब यही चीज़ अगर फॉलो करें, x को रिप्लेस कर दें इनवर्स के साथ एंड y को रिप्लेस कर दें x के साथ, तो ये आपका फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा, एक जो मिस कन्फ्यूजन होता है हम लोगों को, जो कन्फ्यूजन एक होता है हम लोगों को, सॉरी, वो ये होता है कि x का मतलब हमेशा ये, हमेशा डोमेन जो 1, 2, 3 है हमेशा x को डिनोट करेगा और ये हमेशा y को डिनोट करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये एलजेब्रा में हर मिसिंग टर्म जिसको हम लोग ढूंढते हैं वो हम लोगों के लिए x होता है। तो यहाँ पे मैपिंग आप ये डिफाइन करता है कि आप इसमें इनपुट क्या है, इसको आप x और y ना होकर आप इसको इनपुट और आउटपुट की तरह ट्रीट करो, तो आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैपिंग आप f कर रहे हो, तो f का मतलब विल हैव टू गो फ्रॉम a टू b,
ठीक है ना, डिकोड करते हैं इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो वहाँ आपका इनपुट ये होगा, ए का ए टू बी में जा रहे हैं आप, तो ए से बी में जाना मतलब इनपुट विल बी एलिमेंट्स ऑफ ए एंड आउटपुट विल बी एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ एक्स और वाई का मतलब नहीं है, कई लोग ये टैग कर देते हैं कि एक्स का मतलब ये और वाई का मतलब ये, तो ये प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे 1 2 3 पुट नहीं करेंगे, 3 5 7 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे 3 5 7? बिकॉज हम लोग मैपिंग इन्वर्स का कर रहे हैं। तो इन्वर्स का मतलब होता है, सॉरी ये एरो नहीं होगा, इन्वर्स का मतलब होता है विल गो फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में जाना है। तो जब बी से ए में जाना है तो योर इनपुट इज द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड आउटपुट विल बी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सारा चीज उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका, आप चले आओ यहाँ पे, आप एक्स के जगह पे जो बैठा होगे, मतलब इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स फंक्शन में आप बी से ए में जा रहे हो, मैपिंग उल्टा हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 आपका इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा। बैठा के देखो, आप अगर यहाँ 3 बैठाते हो क्या मिल रहा है, चेक करो खुद ही, 3 - 1 2/2 1 हो जाएगा, 5 बैठा के देखो इसमें, 5 - 1 4 - 2 2, तो वो चीज़ मिलेगा। ये तीनों वैल्यू और बैठाओ, 3 बैठाओ इसमें, 5 बैठाओ, 7 बैठाओ। तो इनवर्स फंक्शन इज एक्चुअली अ रूल जहां आप बी से ए को रिलेट कर सकते हो। ए से बी में जाना है आपको तो नॉर्मल फंक्शन यूज करेंगे, बी से ए में जाना है तो हम लोग इनवर्स फंक्शन यूज करेंगे। मैं एक और फंक्शन का आपको इनवर्स निकाल कर दिखाते हैं। मान लिया जाए ये फंक्शन दिया है आपको एंड यू आर सपोज टू गेट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे जैसे एक्स की जगह पे आप 1 पुट करोगे फॉर एग्जांपल, तो 1 पुट करने पे आपको मिल जाएगा 1/5। एक्स की जगह पे अगर 1 पुट करें तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, 1/5। तो वी नीड टू गेट अ रूल जहाँ पे 1/5 पुट करें तो मेरा आंसर 1 आए, ठीक है, वही हो जाएगा इसका इनवर्स। तो हम लोग क्या सीखा पहले, एक बार फॉलोअप कर लेते हैं वहाँ से। पहला काम क्या करना है आपको, स्टेप 1 में रिप्लेस fx बाय y, fx को y के साथ रिप्लेस कर लेना है। विल डू डैट, हम लोग fx को y के साथ रिप्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे, नेक्स्ट था कि x को सब्जेक्ट कर लेना, x निकाल लेना है यहाँ से, तो x निकाल लेते हैं, x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। नो, x को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी x कंटेनिंग टर्म है उसको एक साथ एक ले जाएंगे ताकि x कॉमन निकाल पाए। फिर x अगर कॉमन निकाल लें, नाउ दिस इज x, मतलब x को हम लोग सब्जेक्ट बना चुके हैं। स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 सेज कि रिप्लेस x बाय फंक्शन इनवर्स फंक्शन ऑफ x एंड y बाय x। सो विल डू डैट, x को हम लोग इनवर्स फंक्शन ऑफ x के साथ और y को, अब चेक कर लेते हैं x की जगह पे 1/5 अगर बैठाते हैं यहाँ पे कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे तो बहुत सारा एलिमेंट है बट एक पे ही चेक कर लेते हैं। तो 1/5 अगर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5, 2 × 1/5 डेट इज 2/5 प्लस 1 एंड 2 - 3 × 1/5। चलो यहीं पे दिखा देते हैं इसको, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप x की जगह पे यहाँ पे 1/5 पुट कर रहे हो तो 2/5 प्लस 1 2 - 3/5। इसका अगर एलसीएम वगैरह ले लिया जाए तो नीचे तो दोनों का 5 डिनोमीटर आएगा, तो 2 + 5/5 होता तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा एंड 10 - 3 विच विल गिव अस 7/7 इक्वल टू 1। देख लो, इस फंक्शन में 1 पुट करने पे 1/5 आ रहा था, ये इनपुट था, ये आउटपुट था, यहाँ पे 1/5 पुट करने पे 1 आया। तो बेसिकली ये भी बोला जा सकता है कि इनवर्स फंक्शन में, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 ए बी सी, मान लो ये फंक्शन है जिसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है बिकॉज ये 1 to 1 फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन है वो 1 2 3 है। मैपिंग ऐसा हो रहा है ए टू बी में, इसका जो डोमेन है द रूल इज एफ, सो इसका डोमेन हो गया 1 2 3, रेंज हो गया ए बी सी। अब इसी का अगर इन्वर्स फंक्शन ले लें हम लोग, मतलब मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, तो जब बी टू ए में आओगे आप तो जो रूल होगा डैट विल बी इन्वर्स ऑफ ए।
मतलब यहाँ पे ए इनपुट होने पे यू गेट वन एज द रिजल्ट आउटपुट, बी में टू और ये थ्री, ऐसा कुछ। तो इसका जो डोमेन आप देख रहे होगे इज ए बी सी, एंड रेंज और को डोमेन जो भी बोलो, बिकॉज यहाँ पे तो एक ही होता है रेंज, वो हो गया वन टू थ्री। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फंक्शन में नॉर्मल जो फंक्शन ए टू बी से मैपिंग हुआ, उसका जो डोमेन है और ये जो रेंज है, ये दोनों इक्वल है। तो डोमेन ऑफ एफ इज ऑलवेज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, एंड रेंज ऑफ एफ विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इनवर्स। तो इट्स अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है जो आप समझ सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डोमेन और उसका इन्वर्स का जो रेंज होता है वो इक्वल होता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसका इन्वर्स निकाल कर देखते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो इसका इन्वर्स फंक्शन अगर निकालेंगे तो जो रूल्स था उस हिसाब से पहले एफ एक्स को हम लोग वाई से रिप्लेस करेंगे। अब एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड हम लोगों को, तभी एक लेने के बाद फिर अब आप इस एक्स को सामने ला सकते हैं। तो log y इक्वल टू एक्स लॉग ई हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि log ई का वैल्यू 1 होता है, तो x इक्वल टू log y आ गया। अब इसके बाद जो है आपको जो करना था लास्ट स्टेप में, x को रिप्लेस कर देना था इनवर्स फंक्शन ऑफ x के साथ और y को log x के साथ। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x फंक्शन है, तो ये भी आप समझ लें कि log x उसका ई टू द पावर x का इनवर्स फंक्शन होता है। तो ये कैसे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन निकालते हैं वो हम लोगों ने सीखा।